धौलपुर गांव में रामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो वहां के लोगों पर अपना रौब जमा कर रखता था। रामलाल गांव के भोले भाले लोगों को महंगे ब्याज दरों पर पैसे उधार देता था, और जब गरीब गांव वाले उसे वो पैसा वापस नहीं कर पाते थे तो वो उनकी जमीन हड़प लेता था। गांव में कोई भी बैंक नहीं होने के कारण गांव वालों के पास और कोई चारा भी नहीं था। मालिक, मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, अगर कुछ पैसा उधार मिल जाता तो अच्छा होता। तुझे क्या लगता है, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ है जो मैं तुझे पैसे तोड़ कर दे दूं? पैसा चाहिए तो उसके बदले तुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मेरे पास ले देकर मेरा ये घर ही बचा है, इसके कागजात अपने पास रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत की परवाह करता हूँ, इसलिए तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हें पैसे दे देता हूँ। रामलाल सुरेश के कोरे पन्ने पर अंगूठा लगवा लेता है, महंगे ब्याज दर पर उसे पैसे उधार दे देता है। सुरेश मजबूरी में रामलाल के पास अपना घर गिरवी रख देता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। रामलाल सुरेश के घर पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाता है। आज से तुम्हारा ये घर मेरा हुआ, तुमने इन कागज पर अंगूठा लगाया है कि अगर 6 महीने तक तुम मेरे से उधार लिया गया पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। लेकिन हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है मालिक, हमने तो कोरे कागज पर अंगूठा लगाया था, आपने इस पर क्या लिखा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चुपचाप घर खाली कर दे, वरना मुझे जबरदस्ती ये घर खाली करवाना पड़ेगा। कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मुझे ये घर चाहिए। रामलाल जबरदस्ती सुरेश से उसका घर खाली करवा लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है। सुरेश अपनी बीमार पत्नी को लेकर रोड के किनारे रहने लगता है। ठंड की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी चल बसती है। एक दिन सुरेश का दोस्त रमन उससे मिलने आता है। अरे सुरेश मेरे यारा, तुम यहाँ इस हालत में? मैं तुझसे ही मिलने तुम्हारे घर जा रहा था। अब ना कोई घर है और ना ही कोई अपना, उस जमींदार रामलाल ने सब कुछ छीन लिया। क्या हुआ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुरेश रमन को सारी बातें बताता है। रमन शहर में रहकर बैंक में नौकरी करता था और वो बहुत होशियार और चालाक था। अच्छा तो ये बात है, वो रामलाल तुम गांव वालों का फायदा उठाकर तुम्हारी जमीन और मकान को कम दामों में अपने नाम कर लेता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, जरूरत के वक्त पर रामलाल ही काम आता है, मजबूरी में हमें अपनी जमीन और मकान उसे देनी पड़ती है। मैं आ गया हूँ ना, तू टेंशन मत ले मेरे यारा, मैं उस रामलाल का ये धंधा बंद करवा कर ही रहूंगा। लेकिन कैसे? सुरेश और रमन मिलकर गांव में भूमिगत बैंक बनाने लगते हैं। अगर गांव में बैंक रहेगा तो गांव वाले अपने पैसे और गहने बैंक में रख पाएंगे और बैंक से सही ब्याज दर पर उधार भी मिल पाएगा। हमारे पास तो कोई जमीन नहीं बची है, इस गांव की लगभग सारी जमीन रामलाल के नाम पर है और वो हमें कभी भी अपनी जमीन पर बैंक बनाने नहीं देगा। उसकी चिंता मत कर मेरे यारा, रामलाल को मजा चखाने के लिए हम भूमिगत बैंक बनाएंगे। कुछ ही दिनों में रमन का भूमिगत बैंक बनकर तैयार हो जाता है और रमन गांव वालों को बैंक इस्तेमाल करना सिखाता है। थोड़े ही दिनों में गांव वाले रामलाल से पैसा उधार लेना छोड़ बैंक में सही ब्याज दर पर पैसा उधार लेना शुरू कर देते हैं और अपने पैसे और जेवरात भी बैंक में लाकर रखने लगते हैं। अब उस रामलाल की धोखाधड़ी का धंधा बंद हो जाएगा। अब गांव का कोई भी व्यक्ति रामलाल से कभी भी उधार लेने नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों में रामलाल के पास भूमिगत बैंक की खबर पहुंच जाती है। मालिक, मैंने सुना है कि गांव में भूमिगत बैंक खुला है और गांव के सभी लोग उस भूमिगत बैंक से कम ब्याज दर पर उधार लेने लगे हैं। गांव वालों को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उस बैंक में आज रात जाकर सारे पैसे और जेवरात चुरा लो।
जिस वजह से बैंक का नाम खराब हो जाएगा और गांव वाले फिर मेरे पास से ही उधार लेने आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मालिक, मैं आज रात जाकर उस बैंक से सारा माल चुरा लूंगा। रात में जग्गा सबकी नजरों से चोरी चुपके बैंक में जाकर सारे पैसे और गहने चुरा लेता है और वो सब ले जाकर रामलाल के बताए गए ठिकाने पर छिपा देता है। अगले दिन जब रमन को पता चलता है कि भूमिगत बैंक में चोरी हो गई है तो वो समझ जाता है कि हो ना हो ये चोरी रामलाल ने ही करवाई होगी। अब क्या होगा, हम गांव वालों के पैसे और गहने कैसे वापस करेंगे? हो ना हो ये चोरी रामलाल ने ही अपने गुंडों से करवाई होगी, अब रामलाल से उसकी ही तरीके से बदला लेना होगा। लेकिन कैसे, हमारे पास कोनो सबूत भी नहीं है। तुम बस देखते जाओ, मैं उस रामलाल का कैसे बैंड बजाता हूँ। रमन अगले दिन अखबार में ये खबर फैला देता है कि भूमिगत बैंक से चोरी हुए सारे पैसे और गहने में चिप लगा हुआ है, जिस वजह से जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। ये खबर पढ़कर रामलाल पूरी तरह से घबरा जाता है। अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई कि ये चोरी मैंने करवाई है तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे जल्द से जल्द सारे पैसे और गहने यहाँ से ले जाकर कहीं और रखना होगा। रमन को पता था कि हड़बड़ी में रामलाल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा, इसलिए रमन रामलाल पर नजर रखने लगता है। बैलगाड़ी में सारे पैसे और गहने रख देता है और उसके ऊपर गाय के खाने वाला भूसा डाल सारे पैसे को दूसरे गांव भेजने लगता है। तभी रमन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। क्यों रामलाल, इतने हड़बड़ी में कहां जा रहे हो और इस बैलगाड़ी में क्या है? कुछ नहीं, गाय के खाने का चारा है। मुझे पता चल गया है, सारे पैसे और गहने तुमने ही चुराए हैं और उसे दूसरे गांव में ले जा रहे हो। रमन की सूझबूझ के कारण गांव वालों के सारे पैसे और गहने वापस मिल जाते हैं। रामलाल और जग्गा को भूमिगत बैंक चोरी की साजिश के आरोप में जेल में। मोनिका बहुत ही रूपवान और सुशील लड़की थी। उसकी शादी अनिल नाम के लड़के से हुई थी। मोनिका शादी करके अनिल के घर आई तो सबने उसके रूप की बहुत तारीफ की। लंबे बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। सभी उसके लंबे बालों को देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। हाँ हाँ, लंबे बाल हैं तो क्या हुआ, लंबे बाल खाने को नहीं देते, खाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और तू तो अपने ससुराल में दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई इन लंबे बालों के सिवा, इन बालों का क्या मैं अचार डालकर खाऊंगी? माँ जी, जितना मेरे पिताजी के पास था उन्होंने आपको दे दिया है। हम तो वैसे ही गरीब थे, कर्जा लेकर मेरे पिताजी ने मेरी शादी आपके बेटे से करवाई है। मोनिका मन महसूस कर रह जाती है, अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ दिन इसी तरह से बीतने लग जाते हैं। अरे ओ मोनिका, इन लंबे बालों में आधा किलो तेल लग जाता है, इतना तो मैं खाने में भी नहीं डालती, दहेज में तो तू कुछ लेकर नहीं आई, इन लंबे बालों पर और खर्चा करना पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं अपने बालों में तेल नहीं डालूंगी। हाँ हाँ, ताकि लोग भी कहें कि सास अपनी बहू को लंबे बालों की वजह से तेल भी नहीं देती लगाने को, खर्चा होने के डर से। आरती उसको उसके बालों से खदेड़ते हुए ले जाती है और उसके लंबे बालों में आग लगा देती है, जिससे उसके लंबे सुंदर बाल जल जाते हैं और मोनिका की सास मोनिका को घर से बाहर निकाल देती है। मोनिका रोती हुई अपने घर आती है। उसका ये हाल देखकर उसका भाई सौरव गुस्से में लाल पीला हो जाता है। दीदी, ये क्या हाल बना रखा तुमने, तुम्हारे इतने अच्छे लंबे बाल थे, किसने तुम्हारे बालों को हाथ लगाया और तुम्हारे सारे बालों को जला दिया? मोनिका फूट फूट कर रोने लग जाती है और सौरव को सारी बात बताती है। दीदी आप चिंता ना करें, मैं आपके लंबे बालों का अपमान और आपकी दुर्गति का बदला जरूर लूंगा।
कुछ दिन बीत जाते हैं। सौरभ को पता चलता है कि अनिल का रिश्ता कहीं और होने वाला है। अनिल की माँ आरती अनिल के लिए लड़की देख रही है। अनिल और आरती उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं। लड़की चाय लेकर आती है, तभी तेज हवा की वजह से उस लड़की की विग उड़ जाती है और लड़की डर सी जाती है। रे, ये क्या, तुम तो गंजी हो अंकिता। तुम्हारे तो इतने अच्छे बाल थे, पर हमें नहीं पता था कि वो विग है। हम तो उन बालों को तुम्हारे असली बाल समझ रहे थे। नहीं माजी, मेरे बहुत अच्छे बाल थे, पर ना जाने रात में मेरी किसी ने चोटी काट दी और मेरे छोटे छोटे बाल कर दिए। मैं शर्म के मारे आपके आगे नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने ये विग लगाई थी। सोचा शादी के बाद बता दूंगी, इस विग से आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरे असली बाल नहीं है। नहीं नहीं, मुझे गंजी लड़की से शादी नहीं करनी है। अच्छा तो हम चलते हैं। आरती अपने बेटे अनिल को लेकर घर चली जाती है और थककर सो जाती है। तभी सौरभ वहां आ जाता है और आरती के बालों को ही काट देता है। अरे ये क्या, मेरी चोटी किसी ने काट डाली। मेरे इतने अच्छे बाल थे, ये तो अब बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। कौन है, कौन है? तभी सौरभ सामने आता है और उसको देखकर सब चौंक जाते हैं। सौरभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हारी बहन थोड़ी ना यहाँ रहती है, फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? देखा, अपनी चोटी कटने से कितना दुख होता है। तुम्हारे तो फिर भी छोटे बाल थे माजी, मेरी बहन के तो बहुत लंबे और अच्छे बाल थे, जिससे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते थे। वो भी तुमसे देखा नहीं गया, और तुमने दहेज के आगे मेरी बहन के लंबे घने बालों को जला दिया। फिर भी तुम्हारी दहेज की प्यास नहीं बुझी, तो तुमने अनिल की दूसरी शादी करनी चाहिए। तो तूने मेरे बाल काटे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को हाथ लगाने की? अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाती हूँ, तुझे सबक सिखाएगी वो। हाँ, मैंने तुम्हारे ही नहीं बल्कि अनिल के लिए जितनी भी लड़कियाँ तुमने देखी थी, मैंने उन सबके बाल काट दिए, जिससे अनिल की शादी किसी और दूसरी लड़की से हो ही ना सके। सौरभ, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया। उसके बालों को मुझे नहीं जलाना चाहिए था। आज अब मेरी खुद की चोटी कटी है, तो मुझे उसके दुख का एहसास हुआ है। मैं आज अपने बेटे अनिल के लिए तुम्हारी बहन को दोबारा मांगती हूँ। उसके जैसी सुंदर और सुशील लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सौरभ अपनी बहन को लेकर आरती के सामने आ जाता है। आरती मोनिका का खुशी खुशी स्वागत करती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है। अब सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। आरती मोनिका से माफी मांगती है और मोनिका अपनी सास को माफ कर देती है। और वहीं दूसरी ओर सौरभ उन सभी लड़कियों से हाथ जोड़कर माफी मांगता है जिनके उसने बाल काटे होते हैं, और उन्हें सारी बात बता देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।